ब्रिटेन की सांसद नुसरत गनी ने अपने आरोपों से देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल नुसरत गनी ने कहा है कि साल 2020 में उन्हें मंत्री पद से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गनी ने दावा किया है कि सरकारी विप ने उन्हें बर्खास्त करने के लिए उनके धर्म को कारण बताया। संडे टाइम्स के मुताबिक सांसद टोरी नुसरत गनी कहती हैं कि जब उन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि उनका मुस्लिम होना एक मुद्दा था। वहीं कंजर्वेटिव चीफ व्हिप मार्क स्पेंसर ने गनी के आरोपों को पूरी तरह गलत और अपमानजनक बताया है। कैबिनेट मंत्री नदीम ज़हावी ने कहा है कि गनी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। गनी को साल 2018 में परिवहन विभाग के एक पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार में हुए छोटे से फेरबदल के दौरान उनसे ये पद वापस ले लिया गया था। संडे टाइम्स के मुताबिक गनी कहती हैं कि जब उन्होंने सरकारी विप या सचेतक से उनका पद वापस लिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें बताया गया, फेरबदल के बारे में चर्चा के दौरान मेरे मुस्लिम होने को एक मुद्दे के रूप में उठाया गया था और उनका मुस्लिम होना कई सहयोगियों को असहज कर रहा था। संडे टाइम्स के मुताबिक गनी कहती हैं, जब उन्होंने सरकारी विप या सचेतक से उनका पद वापस लिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें बताया गया, फेरबदल के बारे में चर्चा के दौरान मेरे मुस्लिम होने को एक मुद्दे के रूप में उठाया गया था और उनका मुस्लिम होना कई सहयोगियों को असहज कर रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात मार्क स्पेंसर ने ये स्वीकार किया कि वे वही विप है जिनके बारे में गनी दावा कर रही हैं। उन्होंने आरोप को पूरी तरह गलत और अपमानजनक बताते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसका दावा गनी कर रही है। सोशल मीडिया पर इस खबर को यूजर्स अलग दिशा से देख रहे हैं। बंटू नाम के यूजर लिखते हैं, इस नाम को ऐसा विक्टिम कार्ड बना रखा है इन्होंने जिसका कहीं भी कभी भी इस्तेमाल करने लगते हैं। शिव चंद्रा नाम के यूजर लिखते हैं, जब मंत्री पद मिला तो किसके नाते मिला, मुस्लिम या ईसाई होने के नाते। वहीं मोहम्मद शहनवाज नाम के यूजर लिखते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी पद के मोहताज नहीं है, ना ही पद के लिए तलवे चाटते हैं। ईमानदारी से अपना काम करते रहो, खुद ब खुद सारे पद मिल जाएंगे, हम खुदा की रजा के लिए जीते हैं बस। जोगी पारती नाम की यूजर लिखते हैं, इसीलिए कहते हैं दीन के साथ दुनिया भी हासिल करो। वहीं शादाब नाम के यूजर लिखते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। वहीं फरहात नाम के यूजर लिखते हैं, इसके पीछे इस्लाम विरोधी ताकतें हो सकती हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।